वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं द पब्लिक न्यूज चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के अंदर पहले चरण के चुनावी मतदान कंप्लीट हो चुके हैं, पहले चरण के मतदान हो चुके हैं। और यहां पे बीआर के अंदर चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे साफ साफ कहना चाहूँगा चाहे मोदी हो, चाहे तेजस्वी यादव, दोनों की जनसभाएँ जारी है। और कल ही एक बड़ी स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यहाँ पे सामने आई है, जिसके बाद यहाँ पे जवाब भी दिया गया तेजस्वी यादव के द्वारा कि कोई अगर प्रधानमंत्री है तो जो मन में आए क्या वो बोल सकता है, इसका जवाब जनता देगी। ऐसा करके जो है तेजस्वी यादव ने इस चीज़ का जवाब भी दिया और मोदी जी ने क्या बोला वो आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ, पीएम मोदी का लालू के लाल तेजस्वी यादव पर बड़ा ही हमला, यानी सबसे बड़ा हमला बोला गया है। कहा है कि जंगल राज के युवराज से बच कर रहे। जी हाँ, जंगल राज के युवराज से बच के रहे, आखिर इस शब्द का मतलब क्या होता है वो भी आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, साथ ही दूसरे चरण के लिए प्रचार भी तेज हो गए हैं। आज मोदी की तीन तीन रैलियां हैं। दरभंगा के बाद पीएम मोदी मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर आरजेडी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दल जो बिहार के उद्योगों को बंद करने के लिए बदनाम है, जिनसे निवेशक कोसों दूर भागते हैं, वो लोग बिहार के लोगों को विकास के वायदे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आरजेडी के चुनावी वादे को लेकर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी बिहार से भाग जाएगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज करार दे दिया। मुजफ्फरनगर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं, एक तरफ महामारी है और साथ ही जंगल राज वाले राज करने आ जाएं तो बिहार के लोगों पर दोहरी मार की तरह हो जाएगा। जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या उपेक्षा कर सकती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपना कारोबार करने वालों के साथ इन लोगों को जो बर्ताव कर रहा है उसे तो बिहार के लोग कभी नहीं भूल सकते। रंगदारी दी तो बचेंगे, नहीं तो किडनैपिंग इंडस्ट्री का कॉपीराइट तो इन लोगों के पास ही है, इसलिए इन्हें सावधान रहना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन दलों की राजनीति झूठ, फ्रेम और भ्रम पर आधारित है। इन लोगों के पास बिहार के विकास का न ही कोई रोड मैप है, न ही कोई अनुभव है। वो दल जिन्होंने बिहार को अराजकता दी, कुशासन दिया, वो फिर मौका खोज रहे हैं। जिन्होंने बिहार के नौजवानों को गरीबी और पलायन दिया, सिर्फ अपने परिवार को हज़ारों करोड़ों का मालिक बना दिया, वो फिर मौका चाहते हैं। सीधा सीधा लालू प्रसाद यादव जो जेल में है उनको टारगेट किया गया, किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, किस प्रकार से करोड़ों बनाए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे एक व्याख्यान में व्यक्त किया है। उनका मतलब यही है। पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव आने वाले दशक में इस सदी में बिहार के भविष्य को तय करेगा। आपका एक वोट ये तय करेगा कि आत्मनिर्भरता का संकल्प लेकर निकले भारत में बिहार की भूमिका क्या होगी। आपका एक वोट तय करेगा कि आत्मनिर्भर बिहार का लक्ष्य कितनी तेजी से हम पूरा कर पाएंगे। आपका एक वोट तय करेगा कि आखिर बिहार के अंदर बिल्कुल बिना अपराध मुक्त बिहार कौन बना पाएगा। यानी पीएम मोदी ने किस प्रकार से यहाँ पे लालू के लाल तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव जिस प्रकार से घोटालों के आरोप में जेल के अंदर बंद है उसको टारगेट किया गया। यहाँ पे लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली को यहाँ पे एक तरह से राजनीतिक दिशा दिखाई गई, राजनीतिक दिशा के तौर पर काफ़ी नीचे दिखाया गया। और पीएम मोदी के इस भाषण से आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगा, आपको इस भाषण के बारे में कुछ कहना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़ रहेगा द पब्लिक चैनल के साथ, बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।